हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये पार्ट टू है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो फ्रेंड्स, यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन जा करके देखिए। यदि पार्ट वन देख लिया तो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। मगर फ्रेंड्स, आप स्किप मत करिए एक भी लेक्चर। यदि आप, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको छत पे जाना है, छत पे जाना है, ये आपके स्टेयर्स हो गए, ये आपका जीना हो गया। तो आपको छत पे जाना है तो आप डायरेक्ट छत पे जाने की सोचेंगे तो फ्रेंड्स, आप छत पे तो पहुंच नहीं पाएंगे बल्कि नीचे गिर जाएंगे। मतलब क्या है, जीरो से आप स्टार्ट करेंगे और फिर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेयर से चढ़ते जाएंगे तो आप आसानी से छत पे पहुंच पाएंगे और आप अपना रास्ता आसानी से तय कर पाएंगे। मगर आप ये सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाऊं कि भैया मैं तो सीधा ही ऊपर पहुंच जाता हूँ। मगर तो भैया, आप ऊपर तो पहुंचने से रहे, आप नीचे और गिर जाओगे। तो इसलिए ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यदि आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, फॉर पर्टिकुलर वर्क वी इंस्टॉल आ रिलेटेड सॉफ्टवेयर। मतलब किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए हम क्या करते हैं, उसकी से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। अब जैसे डॉक्यूमेंट के लिए क्या करते हैं हम, .doc इसकी एक्सटेंशन होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं MS Word। MS Word मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। अब ये देख लीजिए, प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन हमारे को बनानी है तो उसके लिए एक्सटेंशन होता है .ppt। और उसके लिए हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमने क्यों समझा, क्योंकि जैसे हम सी लैंग्वेज जो है, हम सी लैंग्वेज के लिए भी क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं एक सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से, टर्बो, आपने नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें, टर्बो और आपका कोड ब्लॉक्स और भी बहुत सारे होते हैं सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर की जरूरत जरूर पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर का क्या होता है, सॉफ्टवेयर स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी। सॉफ्टवेयर जो स्टोर होता है वो किसमें होता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। अब हमने सॉफ्टवेयर की बात क्यों करी, अब सॉफ्टवेयर की बात इसलिए करी कि हम और डेप्थ में जाना चाह रहे हैं। अब देख रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ क्या हो जाता है, कंपाइलर और लाइब्रेरी, ये दो चीज़ें और इंस्टॉल हो जाती है। कंपाइलर तो मैंने आपको बता दिया था, कंपाइलर मतलब जो ग्रामर में जो आपकी मिस्टेक है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसमें बताने के लिए क्या करते हैं हम, कंपाइलर आ जाता है उसके साथ। और लाइब्रेरी क्यों आती है, लाइब्रेरी मतलब ग्रामर में मिस्टेक मतलब एरर बताने के लिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है अच्छे से, यदि आपको अभी समझ में ना आ रहा हो तो लास्ट लेक्चर में जाइए, अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखते हैं लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी क्या है, इन विच इन इनबिल्ड फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। जो इनबिल्ड फंक्शन होता है मतलब पहले से बनाया हुआ होता है फंक्शन, जो कि हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखते हैं, वी यूज़ लाइब्रेरी एज ए इंटरफेस, इंटरफेस की तरह हम यूज़ करते हैं। इंटरफेस भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इंटरफेस मतलब मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे आप फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन आप डायरेक्ट ऑन नहीं कर पाते, आप क्या करते हैं, फ़ैन का पहले बटन ऑन करते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं, जब भी आप क्या कर पाते हैं, फ़ैन को देख पाते हैं, मतलब फ़ैन आपका चालू जब भी होता है, आपके पास इंटरफेस होता है, आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता कि आप क्या सोचोगे कि आप पंखे को घुमाओगे और पंखा चल जाएगा, ऐसे नहीं चलता, वो इंटरफेस से चलता है। कैसे, जैसे कि उसके पीछे प्रोग्राम करा गया है जिससे आप डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इंटरफेस को, यूज़र को क्या करता है मिलता है, ऐसा में इंटरफेस मिलता है, मैंने आपको ये बताया है लास्ट लेक्चर में। तो इंटरफेस का काम क्या करता है, लाइब्रेरी क्या है हमारे को दे रखी है कि हमारे को क्या करना है, सीधा इंटरफेस की तरह काम करना है, हमारे को लाइब्रेरी का यूज़ करना है और हमारा काम चल जाएगा। अब प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ जैसे वाट एवर वी प्रोवाइड इन डबल कोट्स, जो भी हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं, इट यूज टू प्रिंट दैट ऑन द मॉनिटर। जैसे कि आप डबल कोट में मान लीजिए चिराग लिखोगे, प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ, ये मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हैं।
अब जब हम आउटपुट मांगेंगे उससे, कंप्यूटर से हम आउटपुट मांगेंगे, तो वो आउटपुट में क्या दे देगा, मॉनिटर में मान लीजिए ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, मेरी राइटिंग, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसको ना देखिए, अब ये तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, चिराग लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे। अब तो फ्रेंड्स ये तो चलो हो गया, ये तो बेसिक था, बाकी वो जो हम बाद में समझेंगे और इसके बारे में डेप्थ में। अब क्या है, जो प्रिंट एफ होता है उसे कहते हैं पाइथन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बैटरीज बोलते हैं, क्योंकि उसी का काम होता है बस प्रिंट, ये पाइथन लैंग्वेज में बैटरी का काम होता है, मतलब प्रिंट एफ का ही काम होता है, तो उसको हम उसको में क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज में बैटरी बोलते हैं। बाकी इस वाली सी लैंग्वेज में हमारे को कोई लेना देना नहीं है बैटरी से, मतलब प्रिंट एफ से लेना देना है, प्रिंट एफ को ही बैटरी बोलते हैं पाइथन लैंग्वेज में। बाकी बस हमने देख लिया ये एज अ नॉलेज, बाकी हम जब पढ़ेंगे पाइथन तो जब देखेंगे। अभी देखते हैं लाइब्रेरी क्या होती है। अब हमने ये तो पढ़ रखा था, ऊपर जो पढ़ा है हमने, इसमें हमने ये तो पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, कंपाइलर के बारे में तो पहले से ही पढ़ रखा है, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, और हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, आ जाइए पढ़ते हैं। अब लाइब्रेरी क्या है, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी होगी या फिर आपके कोई घर के आसपास होगी कोई लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में बुक्स होती है, जो वो बुक्स क्या होती है, सबकी अलग अलग शेल्फ होती है। अब ये देखिए जैसे ये है बुक्स मैथ्स की सेल्फ ये हो गई, अब ये सीएस की सेल्फ ये हो गई, अब इसमें सारी सीएस की बुक होगी, इंग्लिश की ये हो गई, सारी इंग्लिश की बुक होगी। ये इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है जो पहले से बनी हुई होती है। अब ये देखिए जैसे, अब ये तो हमने दिया था रियल लाइफ एग्जांपल, अब ये देखिए सेम ऐसी इसमें होता है, जैसे math.h है, ये हेडर फाइल के लिए एच लगा हुआ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है इनबिल्ट फंक्शन रिलेटेड टू मैथ, इसमें किससे रिलेटेड होंगे फंक्शन, मैथ से रिलेटेड, ऐसी जैसे ये stdio.h है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, ये दिख रहा है ना आपको आई और ओ, यह है इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, मतलब इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्या होता है इसमें, इनबिल्ड फंक्शन होता है, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल पे लिख रखा है प्रिंट एफ और स्कैन एफ। अब इनबिल्ड फंक्शन इज डिफाइंड इन लाइब्रेरी, इनबिल्ड फंक्शन जो है वो किस में डिफाइन करे जाते हैं, लाइब्रेरी में डिफाइन करते करे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं, लाइब्रेरी वर्क्स एज इंटरफेस, जो लाइब्रेरी होती है वो इंटरफेस की तरह काम करती है। इंटरफेस मतलब कैसे, इंटरफेस मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या दिखता है, बस आपको जिस चीज़ का काम है, मान लो आपको फ़ैन ऑन करना है तो आपको क्या दिखेगा, स्विच दिखेगा, आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। ऐसे ही आप टीवी चलाना है आपको, तो टीवी के लिए क्या करेंगे, आप रिमोट का यूज़ करेंगे और आपका काम हो जाएगा, तो वो आपके पास होता है इंटरफेस। तो ऐसे ही आपको मैथ से रिलेटेड कोई फंक्शन चाहिए तो आपको क्या है, इंटरफेस दिया गया है कि आप बनाएंगे हैश इंक्लूड, फिर लिखेंगे आप math.h, ऐसे आपको करना हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, और ये math.h मतलब मैथ की फाइल्स कोई भी आती है आपके प्रोग्राम में, बाकी ये आपको बाद में समझ में आएगा जब प्रोग्राम हम देखेंगे, बाकी ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। अभी देखते हैं अब क्या है फ्रेंड्स, नीचे देखते हैं हम वेरिएबल के बारे में। तो फ्रेंड्स वेरिएबल में क्या है, वेरिएबल बीइंग एबल टू वेरी, मतलब जो क्या कर सके, वेरी कर सके, वेरी मतलब क्या होता है, इसके नाम पे लिखा हुआ है, देखिए आप इसे सही से पढ़ेंगे तो आपको इसी के नाम पे दिख जाएगा, वेरी एबल, एबल एबल टू वेरी, मतलब जो क्या कर सके, चेंज हो सके, उसको ये बोलते हैं हम वेरिएबल। अब ये देखिए जैसे ये है, आपको एग्जांपल दे रखा है एक वाई इक्वल टू 3x+4, अब आप एक्स की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो वाई की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, अलग अलग वैल्यू आएगी, इट वेरी वेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी तो ये वेरी कर जाएगा।
जस्ट लाइक कंटेनर। अब कंटेनर में क्या होता है, कंटेनर में आप किसी भी महीने, मान लो आपने इस महीने आपका राशन ख़त्म हो गया, पहले आपने एक कंटेनर में रखा था शुगर, एक में राइस, एक में टी, अब आपका राशन ख़त्म हो गया, आप अगली बार डालेंगे तो आप किसी भी सामान में कुछ भी डाल देते हैं। आपको पता है आपने शुगर वाले में राइस डाल दी, राइस वाले में शुगर डाल दी, टी वाले में चलो टी ही डाल दी, तो ये क्या हो गया, क्या कर गया ये क्या कर गया, हमारा पूरा वेरी कर गया। अब ऐसी जैसे ये है, अब लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स में तो हम क्या डालेंगे, फूड ही डालेंगे, मतलब जिससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम उसमें वही डालेंगे, हम उसमें खाना ही डालेंगे और कुछ तो डालेंगे नहीं। तो अब क्या है, टाइप ऑफ कंटेनर, कंटेनर क्या है, कंटेनर की टाइप क्या है, कंटेनर भैया जिस तरह का कंटेनर होगा उसमें उसी तरीके का सामान होगा। अब हमने देखा जैसे कि ऊपर हमने क्या देखा, लंच है तो लंच में क्या है, फूड है। अब ये फूड है, फूड की जगह और कुछ तो नहीं होगा इसमें, हम ये तो नहीं है कि हम इसमें मिट्टी भर देंगे लंच में, नहीं भरेंगे, क्योंकि जिस तरीके का कंटेनर होगा उसमें वही चीज़ रखी जाएगी। अब देखते हैं हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे को किससे डील करनी है, डिजिट से, मतलब डाटा से और वैल्यू से। तो इसमें हम ये देखेंगे, अब ये देखिए जैसे ये मेमोरी है, मेमोरी में हमारे को क्या करना है, मेमोरी में क्या करना है हमारे को, एक स्टोर करना है, एक क्या स्टोर करना है, कुछ भी चीज़ हमारे को स्टोर करनी है, कोई नंबर ऐड स्टोर करना है, मान लो हमारे को ए इक्वल टू 10 ये स्टोर करना है। अब ये 20 गलती से लिख दिया, हमारे को ये स्टोर करना है तो हम डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ है साइज, हमारे पास एड्रेस लिखा हुआ है, हमारे पास ये नहीं लिखा हुआ है कि हमारे को कहाँ स्टोर करना है। जब तक हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ए हमारा कहाँ स्टोर होना चाहिए, ए हमारा स्टोर होना चाहिए जहाँ पर ए दिख रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि भैया 10 वैल्यू यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे को यहाँ पर रहना है, ये बता रहा है आइडेंटिफाई, बिकॉज इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन। आइडेंटिफायर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे को बताता है कि मेमोरी की लोकेशन क्या है। अब आगे देखते हैं, वाई वी नॉट आइडेंटिफाई बाय एड्रेस, अब हम एड्रेस से आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते। अब मान लीजिए आप कोई टिकट लेने जाते हैं, आप हॉल में गए हैं पिक्चर देखने के लिए, थिएटर में आप लेने के लिए जा रहे हैं टिकट, तो टिकट वाला आपको ये तो नहीं बताएगा कि भैया थिएटर में ऐसे जाना, अंदर घुसोगे फिर तीसरी कुर्सी रखी होगी वही तुम्हारा एड्रेस है, वहीं पर ही तुम्हारे को बैठना है, ऐसे नहीं बताएगा वो, क्योंकि इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई उसने लेफ्ट हाथ में बताई थी या राइट हैंड में बताई थी या कहाँ पर बैठना था यार। तो उसके लिए कुछ वो आइडेंटिफाई करेगा, क्या आइडेंटिफाई करेगा, वो बोलेगा भैया सीट नंबर 3 में जा करके बैठ जाओ, उसमें जब आप जाओगे थिएटर में तो वहाँ पर सीट रखी हुई होगी, उसमें आपको दिख जाएगा सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 और ये आ गई भैया अपनी सीट नंबर 3। तो ये क्या करेगा, आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपको कहाँ बैठना है। तो ये मतलब कि आप ये आपका ये क्वेश्चन हो सकता था ना, मैंने इसलिए बताया, ये आपका ये क्वेश्चन हो सकता था कि भैया यहाँ एड्रेस लिखा हुआ तो है तो फिर हमारे को आइडेंटिफाई का यूज़ क्यों करना है, इसलिए यूज़ करना है। अब आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर जो आइडेंटिफाई करे वो हमने देख लिया ऊपर। आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, नेम ऑफ वेरिएबल हो सकता है और नेम ऑफ फंक्शन हो सकता है। अब प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ क्या है, ये भी बता रहा है कि भैया क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बारे में बता रहा है, तो फिर ये क्या है, ये भी एक क्या है, आइडेंटिफायर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब ये इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, जो नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल के जो नंबर होते हैं उसे बोलते हैं इंटीजर। अब आगे देखते हैं होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर इंक्लूडेड जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों हो सकते हैं, मगर फ्रैक्शनल वाले नहीं होते तो उसे बोलते हैं होल नंबर। नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, नंबर विद डेसिमल 9.8, 5.7, ऐसी ये एग्जांपल दे रखे हैं। अब ये इसको बोलते हैं फ्लोट, अभी हम आगे देखेंगे, बाकी मैं एज अ नॉलेज आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इसे अभी ध्यान मत रखिए, अभी हम आगे देखेंगे।
अब ये टैक्स, आप किसी को टैक्स लिखते हैं तो टैक्स क्या हो सकता है, टैक्स में हो सकता है आपका एड्रेस, नेम और ईमेल, ऐसी मतलब और भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। अब एग्जांपल देखते हैं हम। अब ये लिखा है इंट ए इक्वल 10। अब क्या है, अब ये क्या बता रहा है आपको, इंट ए इक्वल 10 क्या बता रहा है, ये इंट इंट बता रहा है कि आपकी इंटीजर होगी वैल्यू, इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट, नंबर विद विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल वाले नहीं आएंगे इसमें। अब ये देखिए, अब ये एग्जांपल है। अब ये क्या है, ए एम क्या है, आइडेंटिफायर पढ़ा है हमने, पीछे पढ़ा है अभी, कि ये आइडेंटिफायर कर रहा है इसकी लोकेशन, ये रही। अब ये इसे बोल रहा है टेन को चल जा किसके पास, ए के पास, तो ये टेन गया ए के पास, मतलब इस इधर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखते हैं, जैसे फ्लोट है, फ्लोट बी इक्वल टू 12.9। अब ये 12.9 को कहाँ जाना है, ये आइडेंटिफायर कर रहा है बी, तो अब ये 12.9 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर भी 12.9 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, जो बिना डेसिमल पॉइंट के हो। अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम इंटीजर, ये फ्लोट और ये सब क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया जो कंप्यूटर है वो क्या, कंपाइलर जो है वो ये सब यही जानता है, वो कि इंटीजर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है, ये सब क्या जानता है, कंपाइलर जानता है अच्छे से। अब देखिए, यदि आप इंटीजर इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है, जैसे 12 और 12 ऐड करा 24 मिल गया। यदि आप चिराग प्लस 15 कहेंगे तो आप कहेंगे कि भैया क्या लिख रहे हो, ये कहीं पागल वागल हो गए हो क्या, तो क्या आ जाएगा, ये इनवैलिड, क्योंकि ये क्या, ये कुछ सेंटेंस ही नहीं बन रहा। अब ये देखते हैं, अब ये है इंट ए इक्वल 20, इंट ए ये क्या है, ये है डिक्लेरेशन, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये बस आपको इतना बताया। अब ये देखते हैं डाटा टाइप। अब डाटा टाइप को देखते हैं हम, डाटा टाइप क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है परमिटिव, दूसरा होता है ड्राइव्ड, और तीसरा होता है हमारा थर्ड यूजर डिफाइंड। तो प्रिमिटिव देखते हैं, प्रिमिटिव में होता है हमारे फोर टाइप्स के, फर्स्ट होता है हमारा इंटीजर, सेकंड होता है हमारा फ्लोट, थर्ड होता है हमारा कैर, फोर्थ होता है हमारा वर्ड। अब ये क्या होते हैं, ये भी इनबिल्ड होते हैं कंप्यूटर के अंदर पहले से ही, क्योंकि ये ज़्यादा यूज में आते हैं तो हम इसे बोल देते हैं ये इनबिल्ड होते हैं, मतलब पहले से ही। अब ये हम चैप्टर आएंगे, पूरे पूरे इसके चैप्टर आएंगे, टेंशन मत लो क्या है क्या नहीं है, ये सब चैप्टर आएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझेंगे ही। अभी सबसे पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है, इंटीजर, इंटीजर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इंट लिखते हैं। अब ये देखिए, इंटीजर में क्या आएगा, बस इंटीजर वैल्यू आएगी, मतलब विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। तो जैसे ये लिख दिया हमने, तो इसके लिए क्या होगा, अब ये होगा मेमोरी, मेमोरी में ए आइडेंटिफायर और इसमें वैल्यू 100, ऐसे ही ये फ्लोट लिखा है, फ्लोट में क्या है, अभी ये क्या करेगा, बी टाइप का आइडेंटिफायर, ये 12.8 यहाँ स्टोर हो गया। अब ये करेक्टर क्या है फ्रेंड्स, करेक्टर क्या है, इट स्टोर्स वन सिंबल, बस ये एक सिंबल स्टोर करता है, जैसे एट द रेट हो गया ए, और ये कैपिटल बी, और ये ETC, मतलब कुछ भी हो गया इसकी जगह, तो वो क्या करता है, बस ए की सिंबल स्टोर करता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं वर्ड। अब वर्ड क्या है, वर्ड किसे बोलते हैं, खाली बोलते हैं, खाली स्थान को बोलते हैं हम वर्ड हिंदी में। अब ये तो हम पढ़ेंगे, हम फंक्शन चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे, बाकी बस अभी हमने देख लिया ये फोर टाइप के होते हैं। अब ये देखिए, इंटीजर के भी और भी टाइप होते हैं, इंटीजर और भी टाइप के होते हैं, शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर लॉन्ग, इंटीजर लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। अब देखिए, आपको किसी का एड्रेस लिखना है, बहुत लंबा है वो, किसी का मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है आपको, तो मोबाइल नंबर में तो आपके 10 डिजिट होंगे, आप आराम से लिख देंगे। अब ऐसे ही तो बहुत सारे थे जो आप आराम से लिख देंगे, तो उसके हिसाब से हम इसका साइज लेते हैं, ये अलग अलग साइज होता है सबका, और सब क्या होते हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड मतलब कि मान लो ये सिग्नेचर, सिग्नेचर कर रखा है, सिग्नेचर में क्या आ जाती है, कोई इसको अच्छा भी बोल सकता है और ख़राब भी बोल सकता है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ अभी भी। साइन आपने करा तो कोई आपको अच्छा भी बोल सकता है और बेकार भी बोल सकता है, मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ठीक है। और अनसाइंड मतलब कि बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव।
अब कुछ हमने सिग्नेचर करा ही नहीं तो क्या पॉजिटिव ही है? फिर कोई नेगेटिव बोलेगा ही नहीं जब हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो गलत नहीं बोलेगा तो अच्छा भी तो नहीं बोलेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ओवरऑल। तो ये हो गया फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। जैसे फ्लोट है, फ्लोट में भी होते हैं हमारे 3 टाइप्स के, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। ऐसे ही फिर करेक्टर में होते हैं साइंड, अनसाइंड। अब फ्रेंड्स अब इनकी रेंज भी होती है। अब रेंज के लिए हमारे को पहले क्या पता होना चाहिए? हमारे को पता होना चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नंबर सिस्टम के बारे में हम देखते हैं, व्हाट इज नंबर सिस्टम। अब फर्स्ट है हमारा डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल आप पढ़ेंगे तो आपको 10 की तरह लगेगा। वैसे आपने सुना हुआ भी होगा डेसिमल क्या होता है, 10 सिंबल्स आते हैं जिसमें 0 to 9, तो उसे बोलते हैं हम डेसिमल। अब फिर होता है बाइनरी। बाइनरी हमने अभी पढ़ा है, बाई, बाई मतलब दो, बाई, बाई नहीं बोलते, बाई मतलब दो, मतलब सिंबल जिसमें 2 सिंबल आए, 0 और 1, बाइनरी है। तो किसके लिए होता है? कंप्यूटर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं ऑक्टल। ऑक्टल आपने पढ़ा होगा कि 8 सिंबल्स आते हैं उसमें, 8 मतलब, वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑक्टल में शुरू में ओ आ रहा है तो नीचे एक और ओ बना दो, तो ये हो गया 8, तो इसमें 8 सिंबल आते हैं, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब ये देखिए हेक्सा डेसिमल। हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 हो गया, और डेसिमल मतलब हमने पढ़ लिया 10, डेसिमल 10, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो अब ये टोटल हो गए 16, तो इसमें 16 सिंबल आते हैं। 16 सिंबल कैसे हो गए? 0 1 2 3 up to 9, up to 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गए। फिर उसके बाद आ गया ABCDEF। तो फ्रेंड्स ये हो गया, क्या हो गया हमारा? हेक्सा डेसिमल। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।